ये बीटा मार्क का मॉडल नंबर AX6050। तो ये 4 ओम 8 ओम स्टीरियो पैरलर और ब्रिज मोड पे कितना क्या आउटपुट देता है वो भी देखेंगे। चैनल इसका बन गया है, मैंने इसको डायरेक्ट लाइन दे दी है। पहले अपन चेक करते हैं इसको 4 ओम पे कितना आउटपुट देता है। पहले चलो 8 पे देख लेते हैं, 8 ओम पे कितना देगा, और उसके बाद में स्टीरियो मोड पे भी देखेंगे। अभी ये स्टीरियो मोड है, फिर ब्रिज मोड पे भी देखेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर बता देता है अपने को कि स्टीरियो मोड के ऊपर है ना। चैनल वन में देखोगे तब को, अभी देख लेते हैं अपन चैनल वन में कितना ये आउटपुट देता है। 1000 से पार ही जा रहा है, तो अपन इसको इस पे कर लेते हैं है ना। तो यहाँ तक एडिटर्स 1500 देता है आपको, क्लिप मोड तक पहुँचता है वहाँ तक। ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। 4 ओम पे देख लेते हैं, 4 ओम पे आपका ये क्लिप तक पहुंचता 2000। अभी चेंज कर देता हूँ, मैं चैनल नंबर 2 में लगा देता हूँ। चैनल 2 को भी 8 ओम और 4 ओम पे दोनों पे चेक कर लेंगे। मेरे सिग्नल आ रहा ये मतलब 1500 के तक जाता ना अपना, ये देखो ना, मतलब जहाँ पे अपना ये क्लिप पे जा रहा है वहाँ तक। अभी अपन इसको देख लेते हैं 4 ओम पे, 4 ओम पे 2000 तक ना। अभी अपन इसको कर देते हैं ब्रिज मोड पे। ब्रिज मोड के लिए मैंने ये देखो कि तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये स्विच है, इसको ब्रिज मोड पे करना है। ये मैं यहाँ से स्पीक ऑन इसका निकाल देता हूँ। ब्रिज मोड के मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर रखे हैं सिर्फ रेड वाले पे। चैनल नंबर 1 के अंदर इनपुट देना होगा, और मैं इधर से जो स्टीरियो वाला जैक था वो निकाल देता हूँ, और ये ब्रिज वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और 1 नंबर से वॉल्यूम खोलेंगे, देखो सिग्नल दोनों में आएगा ना। 8 ओम पे देख लेते कितना ब्रिज मोड पे आउटपुट देता है। 8 ओम पे देखिए आपका 2500-3000 तक चला जाता है डिस्टॉर्शन मोड पे, देखिए है ना। 4 ओम पे, 4000 वाट तक आपका जाता है आराम से। एम्पलीफायर बढ़िया है कंपनी, 4000-4400 वाट कहती तो आराम से जाता है। ठीक है, ये बीटा मार्क डायनाटेक जो आता है सेम उसी की तरह ही है। आप चाहो तो डायनाटेक का एम्पलीफायर भी खरीदिए, जिसका सर्विस भी आपको ऑल इंडिया में मिल जाता है। डायनाटेक के एम्पलीफायर के लिए हमारे पास भी ऑथोराइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है।